क्वेस्ट फाउंडेशन प्रेजेंट्स माँ स्वामिनी प्रेरणा. थीम ऑफ दिस करंट इशू इज चिंता तनाव हताशा. आ सदीनी एक खतरनाक व्याधि. चिंता तनाव अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी. एंग्जायटी स्ट्रेस डिप्रेशन अ डेंजरस डिजीज ऑफ दिस सेंचुरी. September, October 2023, Volume Number 3, Issue Number 16. चिंता में भी समता रहे तो वह आत्मचिंतन है. लेखक सुज्ञान मोदी. चिंता किसे नहीं सताती? चिंता से कौन बच सका है? तो फिर इससे रक्षा कैसे हो? चिंता से रक्षा हो सकती है, लेकिन चिंता को अनदेखा करके या उसे मिटाकर नहीं, बल्कि चिंता का स्वरूप बदल करके. हम प्रायः चिंता किसकी करते हैं? जीवन की, धन की, परिजन की, संतान की, भविष्य की, अधिक से अधिक समाज की, देश की, पृथ्वी की और जगत की. लेकिन इनकी चिंता करते हुए क्या हमारा चित्त स्थिर रह पाता है? क्या हम राग द्वेष से बच पाते हैं? प्रायः नहीं. देह की जगह आत्मा की चिंता रखना. श्रीमद् राजचंद्र जी ने समय समय पर चिंता के संबंध में हम मुमुक्षुओं का प्रबोधन किया है. अपने 22वें वर्ष में श्रीमद् लिख रहे हैं, भाई इतना तो तुझे अवश्य करना चाहिए, इस देह में जो विचार करने वाला बैठा है वह देह से भिन्न है, वह सुखी है या दुखी वह याद कर ले. जितनी देह की चिंता रखता है उतनी नहीं, किंतु उससे अनंत गुनी अधिक आत्मा की चिंता रख, क्योंकि एक भव में अनंत भव दूर करने हैं. इसी प्रकार 26वें वर्ष में एक पत्र में कह रहे हैं, जिस चिंता के उपद्रव से तुम घबराते हो उस चिंता का उपद्रव कोई शत्रु नहीं है. इसी से मिलता जुलता भाव 26वें वर्ष में ही एक दूसरे पत्र में प्रकट होता है. आत्मज्ञान के वेदक होने से व्याग्रता नहीं होती, बल्कि आत्मवार्ता का वियोग व्याग्रता पैदा करता है. संसार की ज्वाला देखकर चिंता नहीं करना. यदि चिंता में समता रहे तो वह आत्मचिंतन जैसी ही है. चिंता के मूल में ममत्व और तृष्णा. उपदेश छाया में एक स्थान पर श्रीमद् कहते हैं, जीव जो अपनापन मानता है वही दुखी है, क्योंकि जहां अपनापन माना और चिंता हुई कि अब कैसे होगा, अब कैसे करें, चिंता में जो स्वरूप हो जाता है वही अज्ञान है. विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा देखा जाए तो मालूम होता है कि कोई अपना नहीं. यदि एक की चिंता करो तो समस्त जगत की ही चिंता करनी चाहिए. इसलिए हरेक प्रसंग में अपनापन होते हुए रोकना चाहिए, तो ही चिंता कल्पना कम होगी. तृष्णा को जैसे बने कम करना चाहिए. विचार कर करके तृष्णा को कम करना चाहिए. इस देह को कुछ 50 रुपए का ही तो खर्च चाहिए, और उसके बदले वह हजारों लाखों की चिंता कर अग्नि से सारे दिन जला करती है. बाह्य उपयोग तृष्णा की वृद्धि होने का निमित्त है. जीव मान बढ़ाई के कारण तृष्णा को चढ़ाता है. उस मान बढ़ाई को रखकर मुक्ति नहीं होती. जैसे बन सके वैसे मान बढ़ाई तृष्णा को कम करना चाहिए. निर्धन कौन है? जो धन मांगे धन की इच्छा करे वह निर्धन है, जो ना मांगे वह धनवान है. जिसे लक्ष्मी की विशेष तृष्णा उसकी दुविधा है, पीड़ा है, उसे जरा भी सुख नहीं. लोग समझते हैं कि श्रीमंत लोग सुखी हैं, परंतु वस्तुतः उनके तो रोम रोम में पीड़ा है. इसलिए तृष्णा को घटाना चाहिए. उपदेश छाया में ही दूसरे स्थान पर वे चिंता और तृष्णा का संबंध समझाते हुए कहते हैं, आयु के इतने वर्ष व्यतीत हो गए तो भी लोभ कुछ घटा नहीं और ना कुछ ज्ञान ही प्राप्त हुआ. चाहे कितनी भी तृष्णा हो, परंतु जब आयु पूर्ण होती है उस समय वह जरा भी काम में नहीं आती, और तृष्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही बनते हैं. अमुक परिग्रह की मर्यादा की हो, उदाहरण के लिए 10,000 रुपए की, तो समता आती है. इतना मिल जाने के पश्चात धर्म ध्यान करेंगे, ऐसा विचार रखें तो भी नियम में आ सकते हैं. जब रोग उत्पन्न होता है तब स्त्री, बाल बच्चे, भाई अथवा दूसरा कोई भी रोग को ले नहीं सकता. संतोष से धर्म ध्यान करना चाहिए. लड़के, बच्चों वगैरह किसी की अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए. एक स्थान में बैठकर विचार कर, सत्पुरुष के संग से ज्ञानी के वचन मनन कर, विचार कर,
धन आदि की मर्यादा करनी चाहिए। पूर्व कर्म को बिसारे, प्रारब्ध को सहे। प्रायः हमें चिंता भले ही वर्तमान में हो रही हो और भविष्य के लिए हो रही हो, लेकिन उसके मूल हमें हमारे अतीत के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हम दुख, ग्लानि या भय के मारे चिंता करने लगते हैं। तो इसी पत्र में श्रीमद् इसका समाधान देते हुए कहते हैं, पूर्व कर्म नहीं है ऐसा मानकर प्रत्येक धर्म का सेवन करता जा, फिर भी यदि पूर्व कर्म दुख दे तो शोक नहीं करना। पूर्व कर्म है ही नहीं ऐसा मानने की सलाह श्रीमद् देते हैं, क्योंकि पूर्व कर्म तो जो होने थे वे हो गए, अब उसका बोझ लिए फिरना समझदारी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पूर्व कर्म जो स्मृति में गहरे अंकित हो गए हो, उसके प्रकट होने का भय सताए, लोक लज्जा का भय सताए, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, कार्य व्यापार, जीवन निर्वाह आदि का भय सताए, तो ऐसी जो भयानक चिंताएं होती हैं उनका क्या करे। इस पर श्रीमद् जी अपने एक पत्र में किसी साधक को सांत्वना देते हुए समझाते हैं, संसार संबंधी तुम्हें जो जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को प्रायः हम जानते हैं, और इस विषय में तुम्हें जो अमुक अमुक विकल्प रहा करते हैं उन्हें भी हम जानते हैं। इसी तरह सत्संग के वियोग के कारण तुम्हें परमार्थ चिंता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते हैं। दोनों ही प्रकार के विकल्प होने से तुम्हें आकुलता व्याकुलता रहा करती है, इसमें भी आश्चर्य नहीं मालूम होता अथवा असंभवता नहीं मालूम होती। संसार संबंधी जो तुम्हें चिंता है उसे ज्यों ज्यों वह उदय में आए त्यों त्यों उसे वेदन करना, सहन करना चाहिए। इस चिंता के होने का कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष को प्रवृत्ति करते हुए बाधा ना आए। तुम्हारी चिंता हम जानते हैं और हम उस चिंता के किसी भी भाग को जितना बन सके उतना वेदना करना चाहते हैं, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब कैसे हो। हमें भी उदय काल ऐसा ही रहता है कि हाल में रिद्धि योग हाथ में नहीं है, प्राणी मात्र प्रायः आहार पानी पा जाते हैं, तो फिर तुम जैसे प्राणी को कुटुंब के लिए इससे विरुद्ध परिणाम आए ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं। कुटुंब की लाज बारंबार बीच में आकर जो आकुलता पैदा करती है उसे चाहे तो रखो अथवा ना रखो, तुम्हारे लिए दोनों ही समान है, क्योंकि जिसमें अपनी लाचारी है उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यही दृष्टि सम्यक है। ऐसे ही एक दूसरे पत्र में साधक को धीरज बांधते हुए उसकी चिंता दूर करते हुए कितना सुंदर कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारी इस प्रकार की स्थिति है कि जिसमें धीरज रखना कठिन है, ऐसा होने पर भी धीरज में एक अंश की भी न्यूनता ना होने देना यह तुम्हारा कर्तव्य है और यही यथार्थ बोध पाने का मुख्य मार्ग है। किसी भी प्रकार का भविष्य का सांसारिक विचार छोड़कर वर्तमान में समतापूर्वक प्रवृत्ति करने का दृढ़ निश्चय करना ही तुम्हें योग्य है। भविष्य में जो होना होगा वह होगा, वह तो अनिवार्य है, ऐसा मानकर परम पुरुषार्थ की और सन्मुख होना ही योग्य है। इसी प्रकार से भी लोक लज्जा रूपी इस भय के स्थान में ऐसे भविष्य को विस्मरण करना ही योग्य है, उसकी चिंता से परमार्थ का विस्मरण होता है और ऐसा होना महा आपत्ति रूप है। इसलिए इतना ही बारंबार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति ना आए। बहुत समय से आजीविका और लोक लज्जा का खेद तुम्हारे अंतर में इकट्ठा हो रहा है, इस विषय में तो अब निर्भयपना ही अंगीकार करना योग्य है। फिर से कहते हैं कि यही कर्तव्य है, यथार्थ बोध का यही मुख्य मार्ग है। इस स्थल में भूल खाना योग्य नहीं है, लज्जा और आजीविका मिथ्या है। कुटुंब आदि का ममत्व रखोगे तो भी जो होना है वही होगा। 30वें वर्ष में एक पत्र में कहते हैं, पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मानुसार ही आजीविका आदि प्राप्त होगी, मात्र निमित्त रूप प्रयत्न करना ही उचित है, किंतु भय से आकुल होकर चिंता करना अथवा न्याय का त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि वह तो केवल व्यामोह है। शुभ अशुभ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्ति ही होती है, प्रयत्न तो केवल व्यावहारिक निमित्त है इसलिए उसे करना उचित है, परंतु चिंता तो मात्र आत्मगुण का निरोध करने वाली है इसलिए उसका शांत करना ही योग्य है। 25वें वर्ष में एक पत्र में कहते हैं, जिससे व्यावहारिक प्रसंग संबंधी चारों तरफ से चिंता उत्पन्न हो ऐसे कारणों को देखकर ही निर्भयता के आश्रित रहना ही योग्य है, मार्ग इसी तरह है।
ईश्वर पर विश्वास रखना सुखदायक, चिंता और अवसाद से दूर से रहने का एक बड़ा साधन है ईश्वर में श्रद्धा रखना। इसे समझाते हुए 23वें वर्ष में श्रीमद् एक स्थान पर कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखना यह एक सुखदायक मार्ग है। जिसका दृढ़ विश्वास होता है वह दुखी नहीं होता, अथवा दुखी हो तो भी वह उस दुख का अनुभव नहीं करता, उसे दुख उल्टा सुखरूप हो जाता है। आत्मेच्छा ऐसी ही रहती है कि संसार में प्रारब्ध के अनुसार चाहे किसी भी तरह का शुभ अशुभ कर्म का उदय हो, परंतु उसमें प्रीति अप्रीति करने का हमें संकल्प मात्र भी न करना चाहिए। करना फकीरी क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। यह सुंदर शीर्षक से एक पत्र में श्रीमद् कहते हैं, मुमुक्षुओं को इस वृत्ति को अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थ की चिंता का होना यह एक जुदा विषय है। अंतरंग में से व्यवहार की चिंता का वेदन कम करना यह मार्ग पाने का एक साधन है। आगे आत्मानंद में आह्लादित होकर श्रीमद् कहते हैं, भिक्षा मांग कर गुजर चला लेंगे परंतु खेद खिन्न ना होंगे, ज्ञान के अनंत आनंद के सामने यह दुख तृण मात्र है। इस आशय का जो वचन लिखा है उस वचन को हमारा नमस्कार हो। ऐसे वचन वास्तविक योग्यता के बिना निकलना संभव नहीं है। सुख दुख रूप कर्म फल जानो, निश्चय एक आनंदो रे। चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिन चंदो रे। चेतन कहे जिन चंदो रे। लव द वाइब, एक्सप्लोर सच इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स एट www.questfoundation.org.in।